हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा के जेल के अंदर अच्छे आचरण को देखते हुए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश को मानते हुए उपराज्यपाल ने मनु शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मनु शर्मा फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जब कैदियों को पैरोल दी गई थी तो उस दौरान मनु शर्मा भी बाहर निकले थे, लेकिन आज यह आदेश आ गया। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने मनु शर्मा को रिहा किया। जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने यह सिफारिश की थी। और मैं आपको बता दूं कि बड़े लंबे समय से मनु शर्मा के परिवार की तरफ से यह कोशिश हो रही थी, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में लगातार ये अर्जी लगाई जा रही थी कि इनका आचरण अच्छा है इसलिए इनको रिहाई दी जाए। कई बार सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने इस सिफारिश को खारिज किया है। तो दो बड़ी खबरें इस समय आपके सामने हैं। मनु शर्मा को छोड़ा जाएगा, जेसिका लाल मर्डर केस में रिहाई मिलेगी उनको, और ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, निष्कासित पार्षद, जो आज क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट अपनी दायर की है उसमें ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया है। ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने का आरोप, पीएफआई के लोगों के संपर्क में था ताहिर हुसैन, पूर्व नियोजित साजिश थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में यह लिखा है। और तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली का बनाया गया है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज तिवारी को अब अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, और आज बड़ा फैसला ले लिया गया। ये जो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेसिका लाल केस में मनु शर्मा को सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने रिहा किया। मनु शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस में सलाखों के पीछे था और कई कैदियों को कोरोना संक्रमण के देखते हुए जब पैरोल दी गई थी तो उसी समय मनु शर्मा भी बाहर था, और जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने मनु शर्मा को रिहा किया। सिफारिश की गई उपराज्यपाल से और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह फैसला दिया कि मनु शर्मा को रिहा किया जाएगा। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने पहले ही ये कहा था कि अब उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मनोज, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने इस बार सिफारिश की है लेकिन कई बार ये खारिज भी हुई है, उनकी जो डिमांड थी अच्छे आचरण को देखते हुए रिहाई की। जी, पहले जो रिहाई की जो डिमांड थी वो कई बार खारिज कर दी गई, लेकिन इस बार जो ये डिमांड थी वो पूरी हो गई है। और मनु शर्मा को आपको बता दें कि कल ही रिहा कर दिया गया है। अभी ही तिहाड़ जेल में अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल ही रिहा कर दिया है। मनु शर्मा समेत 19 कैदियों को रिहा किया गया है और कल ही मनु शर्मा को रिहाई दे दी गई है जेल से। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम मनोज, जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, पहले मैं एक बार बड़ी खबर फिर अपने दर्शकों को बता दूं, जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा को छोड़ा जाएगा, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने सिफारिश की थी। एक बार ये बड़ी खबर मैं फिर आपको बता दूं, जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा के जेल के अंदर अच्छे आचरण को देखते हुए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया। जानकारी के लिए मैं आपके बता दूं कि मनु शर्मा फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैदियों को जब पैरोल दी गई थी तो उस समय मनु शर्मा भी बाहर निकले थे। मैं आपको याद दिला दूं कि 29 और 30 अप्रैल 1999 में टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में ये हत्या हुई थी। मॉडल थी जेसिका लाल और अब मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर हमारे साथ अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, 1999 में ये बहुत चर्चित हत्याकांड था जिसके तहत मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा हुई थी और लगातार कोशिश की जा रही थी उनके परिवार की तरफ से कि उनके अच्छे आचरण को प्रेजेंट कर उनको रिहाई मिले, और अब फाइनली उनको रिहाई दे दी गई है। ये निश्चित तौर पर अगर हम इस केस की बात करते हैं तो ये जब घटना हुई थी उस दौरान भी चर्चा में आया था, और जब इस मामले में निचली अदालत का फैसला आया था तब भी चर्चा में आया था, क्योंकि निचली अदालत ने
जेसिका लाल के जो जिनको जो सभी एक्यूज थे उस दौरान उन सबको रिहा कर दिया था, ये बात है फरवरी 2006 की। लेकिन जैसे ही जब ये जो फैसला आया निचली अदालत का, उसके बाद में सवाल खड़े होने शुरू हुए कि उसमें उस दौरान हेडलाइन भी छपी थी कि नो वन किल्ड जेसिका, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। और हाईकोर्ट ने जो है उसके बाद जब सुनवाई की तो मनु शर्मा समेत जो सह आरोपी थे उन सबको जो है दोषी करार दिया था, जिसमें विकास यादव भी जो है एक सह आरोपी था। उसी के बाद में मनु शर्मा और विकास यादव को इनको जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और मामला हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। जिसके बाद में अभी पिछले एक साल से मनु शर्मा की तरफ से जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है उसके सामने अर्जी लगाई जा रही थी। मनु शर्मा का यह कहना था कि जब 1999 में घटना घटी थी उसके बाद भी वो काफी वक्त तक जेल में रहा था, और जब से हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है 2006 में उसके बाद से लगातार वो जेल में है, लिहाजा उसके 14 साल का जो एक रिव्यू के लिए कम से कम वक्त चाहिए होता है वो पूरा हो चुका है, और उसके अच्छे आचरण को देखते हुए उसको रिहा किया जाए। उसी जो अर्जी पर सुनवाई करते हुए, और ये अर्जी जो है 6 बार लगाई गई थी, उसके बाद में जो छठी अर्जी है उस पर जो है जब सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने अपना पक्ष रखा तो मनु शर्मा के पक्ष में फैसला दिया है, जिसको उपराज्यपाल ने भी मान लिया है। बिल्कुल अंकित गुप्ता, आप बने रहिए मेरे साथ। और मैं अपने दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहूंगी कि जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने यह कहा था कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है, लेकिन उसका इस सिफारिश से कोई लेना देना नहीं।